तो स्टार होली पूजा दीदी, इब तो जलवा बिखेरना बाकी से, एक बार मंच पे चढ़ जाऊं तो आग लगा दूंगी। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए भाइयों और भाइयों की बहनों। आज मैं आपके सामने ऐसी धाकड़ चीज पेश करने जा रहा हूं जैसे आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। बोलो कौन है वो? शर्म कर ले पूजा का प्रोग्राम से, आज तो हमको बख्श दे। उसके पैसे की ना पीता हूं। उसी के पैसे की पीता है तू। रवि भाई कैसे? ये हाल है भाई, सब ठीक है? चलिए आइए। अरे भाई म्यूजिक बंद करो भाई, रोमी भाई आया, म्यूजिक बंद करो भाई। ये बात है। अरे देखो भाइयों, हमारे बीच हरियाणा का सुपरस्टार रोमी आया। रोमी अब देखो, रोमी भाई आ गए हैं, एक खूबसूरत गाना तो बनता है। तू चिंता ना कर, बड़ा एक कार है हरियाणा का, अगर आ भी गया तो अपने प्रोग्राम में शान बढ़ जाएगी। किशोर, मैं अपने आप में बहुत बड़ी स्टार हूँ, समझ गया तू? थोड़ी ठंड रहते दिमाग खराब हो गया कि तेरा? हाँ, इतनी मुश्किल से शो मिला था, साला गुट को ऊपर करके रख दिया तूने। अरे के ड्रामा लगा रखा तूने के? मैं मन ने करा ड्रामा, मन ने करा ड्रामा, वो उस रोमी ने किया ड्रामा। और थारे को क्या जरूरत थी वहाँ चौधरी बनने की, है स्टेज पे चढ़ के ये बोलने की कि रोमी भैया गाना गाएंगे? है ठीक ही तो कह रही से पूजा, प्रोग्राम तो इसी का से ना। ए, चुप कर जाओ, क्या चिड़िया घर बना रखा है घर को? यहाँ रहना है तो तभी सरो, वरना आज के आज घर खाली कर दो। अरे अच्छा कैसे खाली करते घर को, अरे बाप का घर नहीं हो? रे मारे बाप का घर से पर चिलकती मैं हूँ कमाई करके। अरे सरो, यहाँ घर जमाई बढ़ गए नहीं, ये मारा घर से पर धर्म सरला को नहीं। अरे पूजा, रोमी बोल रहे हूँ। बक ना पूजा ना, इतना गुस्सा ना कर दे। देख एक बात मान ले मेरी, तू भी बच्ची है, मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए ना तुझे बहुत सारे पापड़ बेलने हैं। अरे मुझ जैसे स्टार की इज्जत करेगी ना, तुझे आसमान पे बिठाऊंगा, आसमान पे। हरियाणा से मुंबई तक जान जाना हमारी। तू मुझे धमकी दे रहा से या फिर न्योता दे रहा से अपनी गर्लफ्रेंड बनने का? हैं सपने देखता रहे पूजा, तेरे हाथ नहीं लगने की। इतना ही सुरमा बने ना तू अपने आप को, तो आज जा मारे सामने, ना तुझे सबक सिखाया तो मारा नाम भी पूजा नहीं, समझ गया तू? चल रखो, चल 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 चल।
भाइयों और बहनों, हमारा सबको राम राम। आज पूजा फिर लाइव आई है, पर इस बार कुछ खुलासा करने के लिए कि कैसे दो कौड़ी के लोग अपने आप को स्टार बताते हैं। अरे कैसा स्टार? अरे कौन सा स्टार? अरे स्टार तो वो होते हैं जो भाई बॉर्डर पे आप देश की खातिर अपनी जान दे देवे। हम तो मामूली से कलाकार। इब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब चाहे रोमी हो, फोमी हो, कोई भी हो, मैं ना किसी से डरने की, क्योंकि मारे साथ भी हरियाणा के भाई बहन से। और स्टार, स्टार तो मैं बन के दिखाऊंगी। मैंने इस बात पर पूरा भरोसा से। राम राम। आन दे बीमार ही आदमी है। अरे क्या बात हो गई रोमी भाई, क्यों अर्जेंट में बुला लिया? सब ठीक तो से? हर साल लेके सोचे है मन ने सोशल मीडिया बदनाम करेगी। अरे मेहनत से बना रोमी, मेहनत से। अरे रोमी भाई क्या बात कर रहे हो, अरे पूरे हरियाणा तो क्या पूरे हिंदुस्तान ने पता है कि तुम मेहनत करके स्टार बने हो। पूरे हरियाणा में पूजा को कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही स्टार है, रोमी। कोई दूजा पर अपना भी नहीं चाहिए। अरे रोमी भाई कैसी बात कर रहे हो भाई, अगर पूजा शो ना करेगी तो पैसे कहां से आएंगे भाई, घर कैसे चलेगा? कुत्ता है तू, उसका कुत्ता। घर जगह बना के रखा है, कितनी तनख्वाह देती तेरे को चौखट चाटने की? पांच लाख दूंगा, जो करना है कर, पूजा का कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। रोमी भाई चिंता मत करो, अब पूजा का कोई शो ना होगा। हेलो पूजा, शामली में एक शो मिला है। अरे बड़ी मुश्किल से शो मिला, बोल करेगी। अरे क्या बात हो गई किशोर, पूरा हरियाणा छोड़ के तुझे वो भीड़ मिला कार्यक्रम के लिए? तब बात यो से कि पूरे हरियाणा में तेरा प्रोग्राम करने वास्ते कोई तैयार ही नहीं है। वो रोमी ने पूरा गुड़ गोबर कर रखा है, तो उसने हर ऑर्गेनाइजर से कह रखा है कि जिस आदमी ने भी तेरे साथ प्रोग्राम किया उसके साथ वो काम नहीं करेगा। इब बता क्या करना है? अरे तू निराश क्यों हो रहा, क्यों इतनी चिंता कर रहा? अरे इब तो पूजा रोमी से और बड़ी स्टार बन गई है। कोई ना, इस बार तो पूजा शामली में ऐसा कार्यक्रम करेगी सारा शामली जगमगा जाएगा। यो बात हुई ना, फिर करते हैं।
रख रही हूँ। नाचने के पीछे बाबली हुई पड़ेगी। देख रहे से कितनी वो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी पता नहीं कहां तकदी मिलना रही है। ऐसे किट्ठी होगी। अरे हां हां किस और मैं निकल ली, बस तू बाहर को गाड़ी ले आ। अरे निकल ले, तूने भी बड़ी गाई हो रही। अरे अरे कहां जा रही भूखी प्यासी, नाश्ता तो कर लेती बेटा। अरे ते अम्मा कितनी बार कही है मैंने तेरे से, हैं मने ये बेमतलब का लाड प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेमतलब का प्यार, बिन बाप के बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, तने मेरे घर बेमतलब का लागे से। अरे तो फिर इमोशनल होली, नाश्ते की बात से ना हम दे जरा। हम जाओ रे, अरे तो बहुत जरूरत से है, तू उड़ गई ना तो मन्ने स्टार बंदा कौन देखेगा। चल मैंने देर हो जाएगी। अरे दूध कौन पिएगा, ये भी बात है, दूध कौन पिएगा। दूध तू पिएगी, मन्ने का इजाजत ना है, तने काम पर जाना तू पी। अरे हड्डियों को बहुत जरूरत है, ले ले ले। ये बात तू इतनी सेवा करे हमारी, हाँ थोड़ा मौका तो हमको भी देना चाहिए ना सेवा करने का। पगली है रही। चल तेरे चक्कर में तो मन्ने लेट हो जाएगी। पगली सू पथारी सू, चल चल बाय राम राम। संभाल के जाइए। हाँ ठीक ठीक। सुन हाँ कुछ भी खाए ना तेने, भूखी मत रहियो। हाँ इधर लाएगी के, लग रहा है थारा भी मन ना कर रहा आज छोड़ने का मुझे। माना हूँ तेरी। चल ठीक है, ध्यान रखना अपना। हो तू भी अपना ध्यान रखियो। हाँ हाँ। रात तो आग लगा देनी है तूने। अच्छा अम्मा खुश रहो खुश रहो, संभाल के जाना। का रुतबा एक ऐसा नशा है जो अगर सर चढ़ जाए तो फिर इंसान किसी को कुछ नहीं समझता। पूजा अपने डांस और गाने की वजह से बहुत जल्दी पॉपुलर हो रही थी और यही बात रोमी को खटक गई। उसे कतई मंजूर नहीं था कि उसके रहते कोई भी नया नाम उभरे और इसीलिए पूजा को निशाने पर लिया गया। खुशकिस्मती थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती भी क्या होगी कि जाने अनजाने उसी के हाथों उसकी माँ की मौत हो गई। लेकिन कातिल जब घर में ही हो तो सवाल यह है कि पूजा की जान आखिर कब तक बचेगी। अरे पूजा दाकर छा गया आज, तो आग लगा दी तूने स्टेज पे। आग तो रोमी के लग गई होगी। जब्बात जब्बात, फिर मिला के। हाँ ठीक है। के हो गया, माँ कहाँ है?
तो बोलती क्यों नहीं चुप क्यों है? बता ना तो, मेरे तो ठीक छोड़ के गई थी, माँ को क्या हो गया? जब तू सुबह गई थी तो अम्मा बाहर तक गई, मनोज ने आवाज लगाई और देखा तो मैंने फोन तो कर देती, इतना लायक भी ना समझा था, ना फोन कर देती मैंने। किया था फोन, पर तेरा फोन बंद आ रहा था। बंद आ रहा था? अरे इतना इंतजार भी नहीं हो सकता था कि हमारी माँ को चला दिया तुमने। मेरी माँ की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और बहुत जहर फैल गया था बॉडी में, तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके ना अंतिम संस्कार कर दो। अब तेरे लिए रुकते के? अरे अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए क्या हमारे से? अरे भगवान पूजा डांस नहीं करेगी भाई, वो गड़बड़ हो गई, वो पूजा के चक्कर में ना मेरी सांस निकल ली। तेरी सांस एक्सपायर हो या तेरी बीवी, मन ने फर्क न पड़ रहा। तन्ने मुझसे रकम ली है पूजा का डांस बंद करने खातिर, तुझसे ना हो पा रहा ना तो मन्नत दे ना लगे तेरी आवाज बंद करने। कितनी बदतमीजी बेदारी में ना लाडो ना, ऐसे अम्मा की आत्मा को शांति मिलेगी के? गई क्यों नाचने, क्यों गई, क्यों गई, क्यों गई नाचने, क्यों गई? पूजा देख, अम्मा चाहती थी कि तू एक बड़ी स्टार बने, अब अम्मा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तू एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। स्टार बन के क्या करूंगी दीदी, अम्मा में जोड़ के चली गई। पूजा सिर से मैं बड़ी मुश्किल से एक प्रोग्राम सेट किया है, तू बोले तो हाँ कर दूं? ना किशोर जी, ना कर रहा। देख बावड़ा बना ना कर है? वो पहले उस रोमी ने पूरे धंधे का गुड़ गोबर कर रखा है, इब तू अगर हार मान के बैठ जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा बावड़ी, यो तो सोच। ये फोन 7+ कितने से कॉल लग रहा। हेलो रे, कैसी है पूजा रानी? अभी तक हमसे मुकाबला करने की छोड़ी ना तुमने, रे प्यार से समझा रहे हैं, रे गाना वाना छोड़ और अच्छे से लड़के से शादी करके घर बसा ले, अगर छोरा ढूंढने में कठिनाई हो रही है तो हम ढूंढ देते तेरे लिए छोरा। विदेशी दल्ला से? रे भाई तू जो कोई भी है, जग के उस टुम्मी से कह देना कि अपनी बहन खातिर छोरा ढूंढ ले, और जे ना मिले ना तो मन ने बता देना। रे क्यों पूजा, जान प्यारी ना तुझे अपनी। रे बावड़ी पूछ के छोरियों की तरह फोन पे बातें कर रहा, अरे दम है मर्द है तो सामने आ, रे नंगा करके मारूंगी और जग के कह देना अपने टोमी को, अरे सामने आ जाएगा ना कुच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी ना मारने की, समझ गया? चल चल फोन रख, चल हट। अरे बावड़ी क्यों तापमान बढ़ा रही है, अरे इन लोगों से राड मोल नहीं लेते, बड़े खतरनाक लोग होते हैं ये। अरे नहीं ये ना पता, जब हरियाणा की छोरी अपने आप पे आ जाए ना तो ऐसे छोरों के बीच चौराहे पे रख के उल्टा लटका दे। इब तो किशोर तो कार्यक्रम की तैयारी कर, क्योंकि इनकी तैयारी तो सिर्फ पूजा कर सके। अरे यो इना मर्दों वाली बात, मेरा मतलब पूजा वाली बात। अरे थे ताड़ी और तैयार हो जाए बे प्रोग्राम के लिए है? हाँ चौधरी साहब किशोर बोल रहे हो, रात छोरी तैयार हो गई है। हाँ हाँ धूम से। भाई और बहनों आज आपके खातिर पूजा फिर से लाइव आई है, आप सबको पूजा का राम राम। देख लो जी एक दो कौड़ी का सिंगर मने जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये बाप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। कह रहा है कि डांस करना छोड़ दे,
अरे होगा घना पैसा और पुलिस कनेक्शन उसके पास, पर हमारे साथ भी हरियाणवी जनता का घना प्यार से है। आप लोगों का प्यार से फिर मैं कहां इधर हूं? इसीलिए विनती करूं कि सिरसा में घड़ी तादाद में आके मारा उत्साह वर्धन करो और रोमी जैसे नकली स्टार के मुंह में खींच के तमाचा मारो जो छोरिया ने अपने पांव की जुत्ती समझे से। अरे ये तो बावड़ा हो गया के हटे दे मारा फोन। अरे क्या करने लग रही है तू, रोनी से पंगा ले रही है, कुछ जान से मार देगा तुझे। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, चल चल हट इधर से, हटने जाने दे। ए, मैं ना जाने दूंगा तुझे। दीदी यौने समझा दे वरना मतलब मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। बस करो, हमारी खातिर बस करो दोनों। ए, छोड़ी पसंद। छोड़ दो, उसकी किस्मत उसके साथ, क्यों परेशान हो रहे हो और हम सबको भी परेशान कर रहे हो? तुझे समझ ना आ रहा, उसके चक्कर में सब मरेंगे। ए, छोड़ी तो ना। हेलो के पूजा फिर से नाचने लग रही, इसकी तो मैं गाड़ी निकाल। अगली बार गलती हुई ना भाई तू ना मर जा मेरा, टेंशन मत लो तुम, ठीक कर दूंगा मैं। पूजा 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 छागी बाहर देख के जलसा मचा हुआ, तेरे नाम की भीड़ मची, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। समझा तू घना एक्साइटेड हो रहा। अरे भाई एक्साइटेड होने की बात ही है, बाहर देख के भीड़ मची हुई है भाई। एक बात तू ठीक कहती थी कि पब्लिक जो है ना वो ही स्टार बनाती है और वो ही बिगाड़ती है, एकदम परफेक्ट बात बोली तू यार। अरे क्यों क्या कर रही है? हेलो तू चल चल मैं आ रही। चल जल्दी से बात करके आ जाए, फटाफट है फटाफट। हां पूजा पूजा हमारी मां ए सुंदर फटाफट से लेना ये पुआज ना होती ना तो तू देखती रह जाती कितनी भीड़ लगी हमारे वास्ते, तब पूजा 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 चिल्ला रहे हमारे घर पे। पूजा थारे से अम्मा के बारे में बात करनी से, मारी मां को मनोज ने मारा से। अरे मन्ने तारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तू की कह रही है? वो मनोज उसने ये सब किया पूजा। हेलो अच्छा सुन जा, मैं हर साथ बार बार बात कर दूँ। पूजा सब बुला रहे हैं मन की देख। पूजा चल 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 बाय 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 बाय। अरे पूजा किधर जा रही है तू? पूजा ने यह बताने ना कि उसकी अम्मा ने किसने मारा है?
कौन से तुम? तूने मारी माँ को मारा, पूजा को मारना चाहते? बच्चे की तो तुम ना चोरी। नहीं करते आता तुझे धमकी दी कि अगर तूने डांस करना बंद ना किया ना तो सबको मार देगा वो, और यही बात बताने के लिए मैं निकला तो तेरी बहन भी पीछे पीछे निकल ली। मैं पहले पहुंचा और वो बाद में, पर क्या और अम्मी ने तेरी बहन को मरवा दिया। तेरी बहन को किसी ने हाईवे पे चाकू को हमके मार दिया। अरे पूजा, पूजा सुन, अरे पूजा बात सुन मेरी। पूजा पूजा पूजा, अब ये जाएगी रोमी के घर। एक लड़की अपनी काबिलियत के दम पर समाज में अपना नाम बनाना चाहती है। जरा सोचिए, उसकी जगह अगर कोई लड़का होता तो क्या उसे भी इसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़ती? महिलाओं को लेकर पुरुषों के मन में अब भी एक गांठ बनी हुई है। पत्नी अगर पति से ज्यादा कमाए तो पति का मेल ईगो हर्ट होने लगता है। पति से ज्यादा पत्नी के दोस्त हों तो भी उसे तकलीफ है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पत्नी पॉपुलर होने लगे, एक सेलिब्रिटी के तौर पर नाम कमाने लगे तो खुशी से ज्यादा चिढ़ होती है। यही सच है, और पूजा की हालत इसी सच को आईना दिखा रही है। एक परजीवी की तरह साली की कमाई पर गुजारा करने में इस जीजा को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि साली की कामयाबी में उसे अपनी कमी नजर आती है, और यही तकलीफ दो हत्याओं तक पहुंच गई है। क्या पूजा अब भी मनोज की असलियत जान पाएगी, या अगला बार उसके लिए भी घातक साबित होगा? आपको पता है इन्हें किसने मारा होगा? ये उसके बारे में हमें कुछ ना पता है। मुझे पता है, ये सब उस रोफी का करा था। कई बार उसने मुझे उठाने की धमकी दी थी, मेरे परिवार को उठाने की धमकी। डालो इसको जेब में। जेल साहब को फोन लगा। जी सर जी। पूजा मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये रोनी बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी से, अरे के बिगाड़ लेगी तू उसका? हाँ फिर तो मुझे नहीं जानता चिंता। अगर वो खिलाड़ी है तो मैं भी चैंपियंस हूँ। साथ उससे रोएंगी उसकी, क्योंकि उसने मारे परिवार पे हाथ डाला से। जानो तो उससे पड़ेगा, अंदर तो उसे जरूर जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री की सिफारिश क्यों ना लेके आ जाए। अब तू कौन सा मानने लग रही है? जैसा ठीक लगे कर ले। थारी से अम्मा के बारे में बात करनी से। मारी माँ को मनोज ने मारा से। हेलो, ला सुगंधा।
के बारे में बात करनी से। मारी माँ को, मारी माँ को मनोज ने मारा से। हेलो, हेलो सुगंधा। उसने वो कान कान दूध में मिलाया से। अच्छा सुन 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 सुगंधा, मैं धन साहब के बारे में बात कर रही हूँ। साहब जी, हमारे रहते ये पूजा शूजा थारे जैसे स्टार का बाल बीमा करना कर सके। बावड़ी फिर से लाइव है। हमको इस बात का खुलासा करने के लिए कि मारी बहन को, हमारी माँ को किसने मार, क्यों मार। ये तो घनी बावड़ी हो गई है। तो मनोज कहाँ है? हाँ भाई, क्या हुआ? कहाँ है तू? कुछ ना भाई, घर के बाहर दारू पी रहा था। तू दारू पी रहा है? वहां तेरी वो पूजा स्टार बनी फिर रही है। मोबाइल पे लाइव अपनी माँ और बहन के कातिल के नाम बताने लग रही है। क्या जाके खत्म कर रहा छोरी नू, वरना कोई ना बचने का। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज हमारी बहन को, हमारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, और वो है। मेरे नाम का खुलासा करने जा रही थी। कमल ने तेरी अम्मा ने और तेरी बहन ने मारा है। तुझे भी उस दिन जबरदस्ती खत्म कर देता ना तो सब ठीक हो जाता। अरे क्या हुआ? हाँ रोमी भाई, निपटा दिया उसने। अब ये बताओ कि उस लाश का क्या करना है? और घर में आग लगा दे। और सुन, जल्दी वहां से निकल ले। ठीक है भाई। हवलदार, गाड़ी निकालो फटाफट। क्या कर? इस पुरुष प्रधान समाज में अपने दम पर अपनी जगह बनाने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी पूजा को। अपनी माँ और बड़ी बहन को खो दिया उसने, और अफसोस इसी बात का है कि पूजा ही नहीं, जहां जहां महिलाएं अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वहां वहां उन्हें रोका जा रहा है। घर में मनोज जैसे लोग रोक रहे हैं तो बाहर रोमी जैसे लोग। लड़का हो या लड़की, अगर वो ठान ले कि उसे आगे बढ़ना है, मेहनत और ईमानदारी से अपना स्थान बनाना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और विपरीत परिस्थितियों से लड़कर एक नहीं हजारों महिलाओं ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसके बेहतर तो यही होगा कि हम लड़कियों को अपने बराबर, कई मामलों में तो खुद से ऊपर देखने की आदत डाल लें। पूजा ने अपराधियों को जेल भिजवाकर ये बात साबित भी कर दी है। मनोज को दो हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई, और रोमी को आपराधिक षड्यंत्र रचने और उसमें शामिल होने के लिए धारा 120 बी के तहत 10 साल की सजा हुई। पूजा से सिर्फ एक ही गलती हुई, उसने पुलिस के पास जाने में बहुत देर की। इसलिए हम सबके लिए यही सबक है कि अगर आपको या आपके परिवार को किसी से भी कोई धमकी मिल रही है तो पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।